वेलकम बैक टू माय रिपेयर 24s.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक फ्रिज का डोर गैस्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इसके अंदर गैप आ गया है, इस गैप्स को कैसे सॉल्व किया जाए, या कि कुछ फ्रिज के डोर गैस्केट जो फट जाते हैं तो उनको कैसे रिपेयर किया जाए, वहां पे कौन सा ऐसा सॉल्यूशन यूज किया जाए जो सक्सेसफुली एक रबर के जैसा उसका सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर किसी भी फ्रिज का जो डोर गास्केट है, रबर डोर गास्केट, अगर वो फटा हुआ है, तो वहां पे हम ऐसा एक एक्रेलिक सिलिकॉन सीलेंट हम यूज करते हैं। इसके अंदर का केमिकल अगर हम कहीं भी यूज करते हैं तो बिल्कुल एकदम रबर के जैसा निकलता है, या कि कोई भी ऐसी फेविबोंड बनाने वाली कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती हैं, तो उसमें आपको चूज करना है एक्रेलिक सिलिकॉन सीलेंट। और इसके अंदर कलर कुछ क्लियर में आता है और कुछ ऐसा व्हाइट कलर में आता है। अगर व्हाइट कलर वाला यूज करेंगे तो क्या रबर के मतलब मैचिंग से उसके कलर से मैच कर जाता है। इसके अंदर का वो बॉन्ड केमिकल हम उसको यूज करेंगे डोर गास्केट के ऊपर। आप देख सकते हैं इस फ्रिज के अंदर जो गैप था यहाँ पे, इस फ्रिज के अंदर जो गैप है यहाँ पे, हम इसको इस केमिकल को निकाल करके उसके अंदर भर के उसको खूब फिनिशिंग में ला करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे के लिए अगर छोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया अच्छा ड्राई हो जाता है और वो प्रॉपर क्लोज होने लगता है। और दूसरा, अगर फ्रिज के दरवाजे में आप देख सकते हैं यहाँ जो गैप्स आ जाता है, या कि ये दरवाजा ओपन क्लोज करने से, खोलने बंद करने से कभी उखड़ जाते हैं, इनके रबर डोर गास्केट बाहर आ जाते हैं ऐसे, और ये बंद नहीं होते हैं, ऐसे जो गैप आ जाते हैं नीचे, ये बंद नहीं होगा इसलिए कि ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसको प्रॉपर बंद होने के लिए इनमें ऐसा एक फेविक्विक को अगर आप यूज करते हैं इस जगह से, ऐसे अगर इस जगह पे यूज करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऐसे फेविक्विक को यूज करते हैं और इस जगह पे अगर ऐसा यूज कर देते हैं और वापस इन्हें आप ऐसे दबा देते हैं, ऐसे 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 दबा देंगे तो वापस लॉक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है। अब इनके गैप प्रॉपर बंद होने लगा है, पूरा कहीं भी गैप नहीं है। और दूसरा सॉल्यूशन कि अगर डोर रबर सील के अंदर गैप्स जो आ जाता है, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो जाते हैं, जिससे इसका एडजस्टमेंट बिगड़ता है और बाहर का एयर जब अंदर जाने लगेगा और अंदर का कोल्ड एयर बाहर निकलने लगेगा, तो फ्रिज का कूलिंग बहुत लेट मेंटेन होता है, कंप्रेसर को बहुत देर तक चलना पड़ता है, इसलिए कि इलेक्ट्रिक बिल भी जाता आता है और अंदर ठंडक भी कम हो जाती है, इसलिए कि कूलिंग लीक होते रहते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए, ये रबर को सॉल्व करने के लिए कि इनके अंदर सॉफ्टनेस आ जाए, ये सॉफ्ट हो जाए और प्रॉपर बंद होने लगे, उसके लिए हम इस हीट गन का यूज करते हैं। अगर आपके पास ये एयर हीट गन नहीं है, आपके पास घर के हेयर ड्रायर जो होते हैं, बाल सुखाने वाले जो हेयर ड्रायर होते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, पर वो छोटे होते हैं, से आपको उसी हेयर ड्रायर से इसको गर्म करना है। ऐसे जब आप इसको गर्म करेंगे, प्रॉपर जब गर्म करेंगे, तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है और इनको जब आप बंद करेंगे तो ये प्रॉपर बंद होने लगते हैं। और फिर भी आपको और देर तक ऐसे पूरा गर्म करना है, इनको पूरा गर्म करना है, ऐसे 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 ये प्रॉपर क्लोज होने लगेंगे। तो डियर्स, कोशिश करें कि फ्रिज का कोई भी रबर डोर गास्केट जो ओरिजिनल उसमें यूज हो रहा है पहले से, उसको ही एडजस्ट करने की कोशिश करें, या कि उसको स्टिक करने की कोशिश करें, इसलिए कि वो ओरिजिनल गैस्केट्स होते हैं। अगर ये डोर का रबर डोर गास्केट बहुत ज्यादा कट गया है, फट गया है, इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो किसी भी फ्रिज के डोर गास्केट को रिप्लेस कराने के लिए, या कि इंडिया की कोई भी सिटी में आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्योरीफायर, टीवी, ऑडियो को भी रिपेयर करवाने के लिए आप हमारे इस नंबर पे डायल कर सकते हैं। हम इंडिया की कई सारी सिटीज़ में सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी सिटीज़ में हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी गुड गाइडेंस वीडियो पे एक लाइक तो जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।